रोहित शर्मा ने हाल ही में टीम इंडिया की कमान संभाली है। इस खिलाड़ी की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी। कारण ये है कि रोहित ने कप्तान बनते ही टीम में कुछ अहम बदलाव किए। कई दिग्गज खिलाड़ियों को रोहित ने टीम से बाहर कर दिया और आज से आईपीएल 2022 की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कई खिलाड़ी लीग में अच्छा प्रदर्शन करके टीम में एक बार फिर से वापसी करना चाहेंगे। इनमें से एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो कप्तान रोहित का भरोसा एक बार फिर से जीतना चाहेगा, क्योंकि वो लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर है। दरअसल टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले ही हारकर ग्रुप दौर में ही बाहर हो गई, जिसके लिए खिलाड़ी को जिम्मेदार माना गया और वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इसके बाद फिर कभी टीम इंडिया के लिए खेलते नहीं दिखाई दिए। ये खिलाड़ी एक पल में ही टीम इंडिया के लिए हीरो से विलन साबित हो गए। टीम इंडिया में रवि बिश्नोई जैसे घातक लेग स्पिनर की एंट्री के बाद अब वरुण चक्रवर्ती की संन्यास लेने की नौबत आ गई है। ये गेंदबाज इंटरनेशनल लेवल पर फिसड्डी साबित हुआ। आपको बता दें कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दावा कर चुके हैं कि वो 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं। इनमें ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉप स्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है। T20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक वरुण चक्रवर्ती ने 6 मैच में 2 विकेट चटकाए हैं, वहीं 31 आईपीएल मैचों में उनके नाम 36 विकेट है। अब आईपीएल में एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन करके वरुण चक्रवर्ती टीम में वापसी करना चाहेंगे। ये खिलाड़ी केकेआर की ओर से आज के मैच में जलवा दिखाता हुआ नजर आएगा। केकेआर ने वरुण को रिटेन किया था और अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में किस तरह से खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा का विश्वास जीतता है। तो आप भी अपनी नजर बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।